हेलो एवरीवन, आपसे बढ़िया होंगे। जैसे कि मैं पॉलिटिकल लेक्चर करा रहा था, साथ में बायोलॉजी बायोलॉजी क्लास चल रही, कुछ दिन से पॉलिटिकल लेक्चर नहीं आ रहे हैं। आपको नेक्स्ट 2-3 दिन में पॉलिटिकल लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, बायोलॉजी में हमने दो दो चैप्टर कवर किए थे, एक जो आपका सेल और एक आपका क्या बायोलॉजी क्लास सेशन। आज क्लास में हम कवर करेंगे सेल साइकिल, मतलब कि सेल जो है कैसे डिवाइड होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था सेल थ्योरी के अंदर कि सेल थ्योरी तीन लोगों ने मिलकर दिया था, शिल्डन एंड शॉन एंड रोडाल्ड विर्चो। रोडाल्ड विर्चो ने कहा था कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वो सेल कैसे डिवाइड होते हैं उसके बारे में जो कंप्लीट जो हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है दो, तो बात होती है कॉन्सेप्ट की सेल साइकिल किसने दिया था। तो ये गिवन बाई आल्मा हॉवर्ड एंड स्टीफन पैलिक, ठीक है। तो इन दो साइंटिस्टों ने सेल साइकिल दिया था कंप्लीट कि सेल का एक से लेकर दो सेल कैसे बनते हैं, डेट इज द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल दो चीज़ें मिलकर बनी होती है, एम फेज और इंटरफेज। इसको बोलते हैं डिवीजन फेज। ठीक है, और एक होता है इंटरफेज, मतलब सेल डिवीजन से पहले सेल जो प्रिपरेशन करता है अपने आपको डिवाइड करने के लिए उसको बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, तो एक समझो एम फेज डिवीजन फेज। तो एम फेज दो तरह बना होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये होता है आपका कहाँ, जर्म सेल। ठीक, ये अरे कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में, टिक सेल के अंदर। ठीक, ये समझे आप। फिर माइटोसिस में क्या होता है, सेल एन से बनता है टू एन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, सेल जो है आपने था मियोसिस टू, मान लो एन टू एन है तो ये बनेगा एन, फिर इससे बनेगा एन और आपका एन और एन। मीन्स इन मियोसिस के अंदर जो है एक सेल से आपके चार सेल बनते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम, म्यूसिस को रिडक्शन डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं हम, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन। समझे, मींस यदि यहां पे सेल मान लो 4n सेल है, एक सेल है जिसमें चार क्रोमोसोम है, वो डिवाइड होने को आया तो डिवाइड होगा टू में, फिर डिवाइड होगा ये एक में और ये एक में, एक एक से यहाँ पे आएगा और एक एक से यहाँ पे आएगा। टोटल कितने मिले आपको, मिले चार सेल मिले, नहीं दो यहाँ, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इसमें चार क्रोमोसोम थे, ये क्या हो गए दो, इसको बोलते हैं यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन। ये होता है मियोसिस फर्स्ट, ये होता है म्यूसिस सेकंड। तो म्यूसिस सेकंड जो होता है सेम होता है जैसे कि माइटोसिस होता है। ठीक है, तो आप देखो G1 फेज, S फेज, G2 फेज और G0 फेज। इसको बोलते हैं S फेज को सिंथेसिस फेज। यहाँ क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है आपका, रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है आपका। ठीक, यहाँ क्या बनता है आपका, ATP बनता है आपका। ठीक है, ATP बनेगा आपका, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे यहाँ पे आपके न्यूक्लियोटाइड टाइड और अमाइनो एसिड बनेगा यहाँ पे। यहाँ इस फेज के अंदर जो होता है क्रोमोसोम नंबर डबल, मतलब यदि सेल के अंदर इस फेज तक दो हैं, दो क्रोमोसोम हैं, तो इस फेज में एस G2 फेज में शुरुआत में यहाँ पे चार क्रोमोसोम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन भी होता है और DNA का क्या होता है, डुप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, यदि सेल को आगे प्रोसीड नहीं करना है, मतलब सेल को डिवीजन में नहीं आना है, तो सेल जो है इन नहीं करेगा किसमें, एम फेज के अंदर। तो ये था आपका G1 फेज, S फेज और G2 फेज के बारे में आप समझ गए। G1 फेज में क्या होता है आपका, ATP बनता है,
न्यूक्लियोटाइड बनता है, अमीनो एसिड बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये मैंने करवा रखा, जब मैंने कहा था आपको जेनेटिक मटेरियल नहीं किया तो आप जाके उसमें वीडियो लिंक में जाके आप देख सकते हैं आप। फिर इसको बोलते हैं एसिड सिंथेसिस फेज, मतलब यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे और डीएनए डुप्लीकेशन आपका होगा, मतलब यहाँ जो क्रोमोजोम का नंबर डबल होगा। मतलब कि जी2 फेज के अंदर आपको चार, यहाँ पर अभी दो क्रोमोजोम हैं तो जी2 फेज में आपको चार क्रोमोजोम मिलेंगे आपको, ठीक है, नंबर डबल हो गए। अब इसके बाद सेल कहाँ इंटर करेगा, एम फेज के अंदर, जहाँ से जहाँ क्रोमोजोम नंबर अलग अलग सेल में जाएंगे। तो इसको मैं अब रफ करता हूँ इस पूरे को, इसको मैं रफ करता हूँ, इससे काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब देखो, अब जो होता है ना माइटोसिस दो स्टेप में होता है आपका, एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक। अब आता है बात कि कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोसिस किसने दिया था, स्टार्स वर्कर, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस गिवन बाय स्टार्स बर्गर, ठीक, स्टार्स बर्गर ने दिया था इस टाइम। और फर्स्ट टाइम माइटोसिस ऑब्जर्व बाई स्टार्स बर्गर, इसमें क्या होता है डिवीजन ऑफ सेल, ठीक। ये आपका जो कैरियोकाइनेसिस है ये चार स्टेप में होता है, जो आपने पढ़ा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपका एक होता है टीलोफेज, समझे, चार स्टेप में होता है आपका माइटोसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसमें प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है आपका, पॉइंट जीरो में आपका डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट सेकेंड पॉइंट क्रोमोजोम स्टार्ट कंडेंस, ठीक। इसमें क्या आता है मेटाफेज के अंदर आपका ऑल क्रोमोजोम लाइज ऑन इक्विटोरियल प्लेट, ठीक है। इसमें क्या होता है एनाफेज के अंदर सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम, ठीक। इसमें क्या होता है टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड विद इन वन सेल, ठीक है। और इसका एक फीचर क्या होता है अगेन अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या होगा, सेल जाएगा कहाँ जाएगा, सेल इंटर इनटू साइटोकाइनेसिस, मतलब एक न्यूक्लियस है, इसमें एक सेल है, इसमें दो न्यूक्लियस है, ये ऐसे ब्रस्टिंग होंगी कुछ टाइप में सेल, एक मिनट जो इस टाइप में कुछ हर टाइप में बनना शुरू होगा, एक न्यूक्लिया यहाँ एक न्यूक्लिया है, फिर एक से ये दो सेल ऐसे बन जाएंगे। तो मैंने क्या बोला माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशन डिवीजन, मतलब यहाँ पे यदि 2n सेल है तो यहाँ भी 2n करके दो सेल बनेंगे, मतलब क्रोमोजोम नंबर भी सेम होगा और क्रोमोजोम डबल भी होंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। इस क्लास का थ्योरी का पूरा आपको लेक्चर मिल जाएगा, ये तो ये आपने समझा कि माइटोसिस दो स्टेप में होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस।
माटो से फर्स्ट फर्स्ट टाइम किसने दिया था, स्टार्स बर्गर के बर्गर ने। फिर क्या होता है, ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मैं अरे कितने स्टेप में होता है, ये चार स्टेप में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। ठीक है, प्रोफेज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है आपका, डिस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्टार्ट कंडीशन ऑफ क्रोमोजोम्स। सेकेंड, मेटाफेज में क्या होता है, ऑल क्रोमोजोम लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैं लिखवा रहा हूं आपको। एनाफेज में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम, जो इक्वेटोरियल प्लेट में जो क्रोमोजोम बैठ हैं वो सेपरेट होना शुरू होंगे। आपको चारों इस स्टेप के पिक्चर यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के। ठीक है, और टेलोफेज में क्या होता है, टू न्यूक्लियर क्रोमोजोम आर डिसअपीयर, ठीक है, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर। ये था आपका फीचर किसका, माइटोसिस का। अब इन कहाँ करेंगे, म्यूसिस में। ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं जर्म सेल के अंदर, जो आपके होते हैं ना गोनाड्स और ओवम, वो बनते हैं म्यूसिस से। ठीक है, तो माइटोसिस हमने कर लिया, इसको आप रब करते हैं। और क्या आजकल आपको लेक्चर का जो वीडियो पीडीएफ है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। तो देखिए म्यूसिस जो होता है ये दो स्टेप में होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। आप जो पिक्चर्स शो होंगे वो शो होंगे आपको म्यूसिस के, जब मैं बताऊँ, जब मैं कहूँगा आपको। तो म्यूसिस फर्स्ट भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जस्ट लाइक जैसे ये होता है ना माइटोसिस वैसे होता है, लेकिन इसमें अंतर कहाँ आता है ये चीज़ें देखने की होती है। प्रोफेज चार स्टेप में होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पैकेटीन किस में होता है, तो ये म्यूसिस में होता है। किस में, म्यूसिस फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज के अंदर होता है। तो चार स्टेप में होता है, इसमें क्या होता है, लेप्टोटीन के अंदर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम शुरू होता है, जैसे प्रोफेज के अंदर हुआ था। लेकिन अंदर कहाँ आता है, जाइगोटीन के अंदर, ये आपका जाइगोटीन के अंदर। यहाँ क्या होता है, बनते हैं साइनेप्सिस, साइनोप्टोमल कॉम्प्लेक्स और वाइवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है कि म्यूसिस में क्या होता है, जब म्यूसिस में होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फादर का मदर का, तो जैसे क्या होगा, एक क्रोमोजोम ऐसे एक ऐसे क्रोमोजोम, ये दोनों आगे बनेंगे, तो इसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, समझना, ये ब्लैक ब्लैक, दो ब्लैक लेता हूँ, अरे दो ले लेता हूँ, रेड छोड़ो ऐसे में, इसी ये ब्लू फादर का है, ये रेड मदर का है। साइनेप्सिस में क्या होगा, मदर का क्रोमोजोम फादर का क्रोमोजोम आएगा, वो वैसे बनेगा, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये होते हैं चार, क्योंकि एक क्रोमोटीन के एक क्रोमोजोम में दो आर्म्स होती हैं, दो आपको रेड दिखेंगी 3D के अंदर और दो आपको दिखेंगे ब्लू, तो इसको बोलते हैं साइनेप्सिस, जो ये बना है फिगर। ठीक है, इसके बाद जो ये होता है ना स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं साइनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स, और ये एक साइनोप्टिकल में चार क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको चार दिखेंगे, दो दिख रहे हैं मेरे हाथ में, दो रेड और दिखेंगे, रेड में मेरे पास पेन है नहीं, मैं दिखाता हूँ, समझ लो कि ये भी रेड आ गया और ये भी ग्रेड आ गया आपका, और ये इसको ग्रेड मान लो आप, तो चार हो गए ना, तो चार बनते हैं, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट, दिखेगा बाइवेलेंट। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोजोम मदर से आते हैं उसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड, और जो फादर से आते हैं वो भी सिस्टर क्रोमेटिड, अपने आप में एक दूसरे के होते हैं, लेकिन फादर का मदर का क्रोमोजोम दोनों अलग अलग है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इनके बीच क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मीन्स समझो नूडल्स, इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे जो मदर का कुछ जीन है और फादर का जीन मदर पे आएगा और मदर का जीन फादर पे आएगा, तो ये जो होती है ना स्ट्रक्चर क्रॉसिंग जो होता है एक्स शेप का जो बनता है यहाँ पे, जहाँ पे होता है जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग, इसको होता है काइजमेटा, जो कहाँ होता है आपका डिप्लोटीन के अंदर होता है स्टेज के अंदर। ठीक, और इसको करने के लिए आता है एक एंजाइम जो इसको कट करता है दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए, जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम्स। द्वितीय पैकेटिन कहाँ, पैकेटिन स्टेज में प्रेजेंट आपको मिलेगा। तो ये था आपका अबाउट द प्रोफेज फर्स्ट, और लास्ट में क्या होगा डाइकाइनेसिस के अंदर, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद सेल एंटर कहाँ, मेटाफेज के अंदर, जिसका डायग्राम्स होगा मेटाफेज, जस्ट लाइक सेम होता है जैसे आपका क्या, हमने प्रोफेज मेटाफेज किया, क्या था किसका आपका, माइटोसिस का, उसमें सेल जाएगा इक्वेटोरियल प्लेट में, यहाँ पे स्पिंडल्स आएंगे और उसको अलग करेंगे। फिर सेल कहाँ एंटर करेगा, म्यूसिस सेकंड में सेम होता है जैसे कि ये चार स्टेप होते हैं, इसमें सिंपल सेल डिवाइड आपका होगा और एक से चार सेल बनेंगे। ठीक, तो वो क्या होता है आपका म्यूसिस। तो ये थी आपकी सेल साइकिल, सेल के बारे में।
इसका जो कंप्लीट लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो नीचे में लिंक में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।